नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के कारण समुद्री शेरों की मौत के बारे में। पेरू में लगभग 600 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। इसका कारण H5N1 बर्ड फ्लू वायरस बताया जा रहा है। मृत पक्षियों में पेलिकन, विभिन्न प्रकार की गुल और पेंगुइन शामिल हैं। पेरू में जैविक निगरानी प्रोटोकॉल की भी घोषणा की गई है। दिसंबर में बर्ड फ्लू के कारण 37,000 पक्षियों को मारा गया था। संक्रमित पक्षियों को मारना सामान्य प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। 2021 के अंत से यूरोप में बर्ड फ्लू के अब तक के सबसे अधिक मामले आए हैं। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में भी इसका गंभीर प्रकोप देखा गया है। भारत में भी केरल में अलापुज्जा में एवियन फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। चेरुथाना में लगभग 20,471 पोल्ट्री पक्षियों को मारा गया है। H5N1 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस का एक उपप्रकार है। ये एक जूनोटिक रोग के अंतर्गत आता है। जूनोटिक रोग उन रोगों को कहा जाता है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। ये वायरस पक्षियों की आंतों या श्वसन तंत्र पर हमला करता है। एक पक्षी से दूसरे में फैलता है। समुद्री शेर सबसे समुद्री स्तनधारी जीव के अंतर्गत आते हैं। ये भूरे रंग के होते हैं, जोर से भौंकते हैं और अपने बड़े फ्लिपर्स का उपयोग करके जमीन पर चलते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।